अगर आपका एसी गलत तरीके से इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें प्रॉब्लम ढेर सारा देखने को मिल पाता है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम मुझे लगता है, जो कि बहुत ही गंदा प्रॉब्लम है, अभी तक मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है और इसका प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है, तो इस कारण से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोग इस प्रॉब्लम में ना फंसो, ठीक है। सबसे पहले चीज़ जो मुझे देखने को मिल पाता है वो हमारा आता है वाटर लीकेज का प्रॉब्लम। वाटर लीकेज से भाई होता ये है, सबसे पहले तो कस्टमर परेशान रहता है, दूसरा हमारा सर्विस सेंटर परेशान रहता है, और तीसरा जो टेक्नीशियन वर्क करके जाता है वो भी खुद ही परेशान हो जाता है इस तरह का इंस्टॉलेशन होगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लिप दिखाता हूँ जिससे आप लोग समझ में आ पाएगा कि वाटर लीकेज का प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर किस तरह से हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको अपना माइंड में रखना है और माइंड में रख करके ही अपने इंस्टॉलेशन करवाना है अपने एसी का। तो सबसे पहले आप क्लिप देखें, यहाँ पे इस क्लिप में आप देख सकते हैं आउटडोर यूनिट तो बहुत ही अच्छे तरीके से लगा हुआ भाई। ये दो फ्लोर ऊपर है जब अपार्टमेंट में ये लगा था, और इसका पाइपिंग को आप ध्यान दीजिएगा, पाइप के थ्रू ही इंटरनली अंदर में पानी आ रहा है। ये पाइप हमारा नीचे गया है, और नीचे में देख सकते हैं, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं पाइप किस तरह से राउंड हो करके अंदर गया है। तो अब जो पानी आ रहा है बरसात का, जो कि अभी कुछ दिन से पानी पड़ रहा है, तो वो डायरेक्टली अंदर के साइड में पानी जा रहा है। तो अंदर के साइड में पाइप के थ्रू पानी जा रहा है। इसका प्रॉब्लम का सलूशन ये था कि जो हमें जो हॉल किया है वो लेफ्ट साइड से हॉल करके इंटरनली अंदर में अटैक करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए। दूसरा, हमारा कस्टमर को ये बताना था थोड़ा सा पाइप दिखेगा लेकिन आपका बाहर का पानी नहीं आ पाएगा, इस तरह का वो सॉल्व करना था इस प्रॉब्लम को, ठीक है। जो कि एक मिस्टेक किया है टेक्नीशियन, उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अब क्या होगा कि जब तक ये बाहर का साइड में वो पैकिंग नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन का, यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए, इंस्टॉलेशन होने के बाद पाइपिंग देख सकते हैं किस प्रकार से गया हुआ है। जगह के हिसाब से पाइपिंग ठीक है, कोई इशू नहीं है, पाइप आराम से आ रहा है, लेकिन ड्रेन पाइप का मिस्टेक देखिए किस तरह से ड्रेन पाइप गया, थोड़ा सा साइडल का ज़रूरत था। देख सकते हैं यहाँ पर किस हिसाब से यहाँ पर पानी स्टोर हो रहा है, जो कि सिर्फ साइडल बढ़िया तरीके से नहीं मारने का ये प्रॉब्लम हमारा आया है। तो जो भी टेक्नीशियन यहाँ पे काम किए थे उनको ये चीज़ माइंड में रखना था कि जो ड्रेन पाइप है वो थोड़ा डाउन करते हुए आराम से वो निकालते, जिसके वजह से हमारा जो कस्टमर था वो निराश नहीं होते। अब हम लोग बैक साइड में आ चुके हैं, बैक साइड में भी स्पेस था जो कि बाथरूम है, यहाँ से इजिली पानी यहाँ नीचे के साइड में आया हुआ, पाइप तो आराम से निकल गया, गैस पाइप कोई दिक्कत नहीं है, और पानी वाला पाइप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आया हुआ। मतलब जो प्रॉब्लम था बस वही जगह पर था, इस जगह पर। इस प्रॉब्लम को अगर वो बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देते, साइडल अच्छे तरीके से मार देते, तो ये प्रॉब्लम हमारा नहीं आता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने क्लिप देख लिया होगा कि अगर गलत तरीके से इंस्टॉलेशन होता है तो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम किस किस तरह का हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट पॉइंट मिला होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर गलत तरीके से इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें और भी क्या नुकसान देखने को मिल पाता है। सबसे पहला चीज़ कि वाटर लीकेज का प्रॉब्लम तो था, नेक्स्ट हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम। अगर सही तरीके से पाइपिंग वगैरह नहीं किया हुआ रहेगा, या फिर ऐसा होता है कि अच्छा तरीके से वैक्यूम वगैरह ना होगा, तो उसमें प्रॉब्लम हमारा ये आता है कि हमारा गैस लीक होगा, सही तरीके से पाइपिंग नहीं हो पाएगा, तो उससे हमारा कूलिंग जो परफॉर्मेंस है तो वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लो होगा। उसके बाद कुछ समय के बाद आपका कूलिंग करेगा ही नहीं अगर सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो। तो इस चीज़ का भी माइंड में रखना है जब आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, तो आप लोगों को टेक्नीशियन को ये बोलना है कि सबसे पहला चीज़ तो भाई आप एसी इंस्टॉलेशन करवाने के बाद आप थोड़ा चेक करवा दो, प्रॉब्लम हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम आता है। गैस लीकेज का प्रॉब्लम क्यों आता है वो आप ध्यान से समझिएगा। उस एसी में अगर पाइपिंग सही तरीके से नहीं होगा, जो नट टाइट होता है वो प्रॉपर तरीके से नट टाइट नहीं होगा, तो आपका गैस लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। तो इससे बचने का तरीका ये है कि जब हम ये पाइपिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर ले, तो उसमें एक बार गैस लीकेज चेक कर ले वो सही तरीके से। क्योंकि गैस लीकेज चेक करने से होता ही है कि हमें समझ में आ पाएगा कि आने वाले समय में हो सकता है इसमें गैस लीक ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, वो हमारा है वैक्यूम। वैक्यूम करके अगर आप एसी को इंस्टॉल करोगे तो भाई उसका जो कूलिंग परफॉर्मेंस रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कूलिंग परफॉर्मेंस बढ़ने से बेनिफिट पॉइंट हमारा ये होता है कि जो हमारा कस्टमर है वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। अगर आपके घर पर एसी लग रहा है, अगर आपका कूलिंग जो रहता है एसी में बहुत ही अच्छा देखने को मिल पाएगा, तो आप भी संतुष्ट रहोगे और आप भी यही सोचोगे कि नेक्स्ट टाइम मैं यही टेक्नीशियन को बुलाऊंगा, क्योंकि इसका काम बहुत ही अच्छा है और हमारा जो एसी है बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ होता है कोई भी इंस्टॉलर के लिए, सही तरीके से इंस्टॉल अगर वो करते हैं तो कस्टमर भी खुश होता है, प्लस उन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारे काम में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो पहला प्रॉब्लम हमारा वाटर लीकेज का, दूसरा हमारा गैस लीकेज का सही इंस्टॉलेशन नहीं होता है, तो तीसरा हमारा कंप्रेसर ट्रिपिंग का। कंप्रेसर ट्रिपिंग का प्रॉब्लम हमारा इस तरह का होता है कि कोई हमारा जो आउटडोर यूनिट है, हो सकता है कोई पतला गली में लग रहा है या कोई रूम टाइप का जगह पे लग रहा है, तो उससे हमारा प्रॉब्लम ये होगा जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और जो ऑल्टरनेट का एयर फ्लो रहता है, जो गर्म हवा निकलता है, वो बहुत ही अच्छा तरीके से नहीं निकल के फैलेगा, नहीं जाएगा बाहर, तो
ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होगा और ओवरहीट होने की वजह से वो ट्रिपिंग करना चालू कर देगा। तो ये सब कारण होता है जिसे आप लोगों को बचना है। अगर कस्टमर को नहीं पता है कि हमें ऑर्डिनेटर किस जगह पर लगाना है, वो गलत जगह बता रहे, तो आप उनको राय दे, उन्हें आप मतलब बताएं कि अगर आप इस जगह पर ऑर्डिनेटर को लगाइएगा तो आपके आने वाले समय में हो सकता है कंप्रेसर ट्रिप करे और आपका अच्छे तरीके से ये कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा और प्लस आपको कूलिंग भी देखने को नहीं मिल पाएगा। तो आप सही जगह उनको बताएं कस्टमर को और अच्छे तरीके से इंस्टॉल करें, जिससे आपका कस्टमर भी खुश होगा। प्लस इस वीडियो को अगर कोई कस्टमर देख रहे हैं तो वो भी आप भी ध्यान में रखिएगा कि आपको जो ऑर्डिनेटर होता है वो कुछ खुला हुआ जगह पर रहे। खुला हुआ जगह रहने से ये होता है कि आपको जो गर्म होता है वो आपका इजिली निकल पाएगा और आपका जो कंप्रेसर होता है वो जल्दी ट्रिपिंग का प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट पॉइंट होता है जो आपको जानना ज़रूरी है कि ऑर्डिनेटर को किस जगह पर और कैसे लगवाना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर आप इंस्टॉलेशन करवाते तो और भी क्या आपको नुकसान हो सकता है अगर गलत इंस्टॉलेशन होता है। तो जो हमारा चौथा नुकसान होता है, चौथा हमारा प्रॉब्लम होता है, वो हमारा ये है कि अगर हम एसी इंस्टॉल करवा लिए है और हमारा जो फिल्टर होता है वो टाइम टू टाइम अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा जो एयर फ्लो होता है इंडोर एयर का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए टेक्नीशियन का काम है कि कस्टमर को बताना है कि फ़िल्टर इजी वे में अगर निकल जाता है तो उनको बता दे कि आप सप्ताह में या फिर 2 सप्ताह में एक बार फ़िल्टर निकाले, इसको झाड़ करके क्लीन करके उसको फिट कर दे, ताकि आपका जो एयर फ्लो होता है इंडोर का हवा का फ्लो होता है वो कम ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हवा का फ्लो मिले और आपका जो कूलिंग होता है वो बढ़िया से बढ़िया देखने को मिल पाए। तो इस चीज़ का भी माइंड में रखना पड़ता है कि कोई भी इंस्टॉलर अगर आ रहे तो कस्टमर को बताए कि किस तरह से आपको जो फिल्टर होता है उसको क्लीन करना होता है। तो ये कुछ बेनिफिट पॉइंट होता है जो इंस्टॉलर का काम है इंस्टॉल करने के बाद इस चीज़ को कस्टमर को बता देना, प्लस इंस्टॉल का जो तरीका होता है वो प्रॉपर तरीके से वो काम करे। तो यही कुछ कारण था जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन अगर गलत होता है तो आपको अलग अलग तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल पाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। इस वीडियो को अगर पसंद आता तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।